स्मृति नगर में सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं विजयदशमी समिति के तत्वाधान में रविवार को शतचंडी यज्ञ के साथ नवरात्रि का आरंभ किया गया। समिति द्वारा नवरात्र के पंचमी से रास गरबे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके लिए प्रतिदिन प्रशिक्षकों द्वारा क्षेत्र की महिलाओं को गरबे का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। माता के नवरात्र आते ही उनके भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है, और जहां एक तरफ भक्तों द्वारा बड़े आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं तो कहीं गुजरात के पारंपरिक नृत्य गरबा का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही स्मृति नगर में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव एवं विजयादशमी समिति के द्वारा विगत 18 वर्षों से नवरात्रि के आयोजन के साथ रास गरबे का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष रविवार को माँ शतचंडी यज्ञ के साथ नवरात्रि उत्सव का आरंभ किया गया एवं पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई। समिति के संरक्षक राजीव चौबे ने बताया कि प्रतिवर्ष क्षेत्र की महिलाओं के लिए गरबे का प्रशिक्षण कराया जाता है, जिससे महिलाएं इस पावन अवसर पर अपना मनोरंजन कर सकें। इस वर्ष भी नवरात्र की चतुर्थी तिथि तक गरबे का प्रशिक्षण कराया जा रहा है और पंचमी तिथि से यह आयोजन क्षेत्रवासियों एवं शहरवासियों के लिए आरंभ हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 वेरी गुड। यहीं से आप कंटिन्यूस लेना, दो बार कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 1, 2, 3 अगेन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 1, 2, 3 स्टॉप। फिर से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 1, 2, 3 अगेन। तो ये यहाँ स्मृति नगर में जो नवदुर्गा जो है वो 2006 से हमने स्थापना प्रारंभ की थी, तो 2006 से लेकर अब ये 18वां वर्ष है हमारा, और 2006 से ही यहाँ पर डांडिया भी प्रारंभ हुआ था। तो स्मृति नगर का डांडिया पूरे भिलाई में अपनी एक अलग पहचान रखता है, बहुत ही पारिवारिक वातावरण में। ये व्यावसायिक तरीके का नहीं होता यहाँ पर, जो भक्ति में वातावरण में पूर्णतः बिल्कुल पारिवारिक वातावरण में होता है। महिलाएं बच्चे जो हैं, बच्चियाँ ही वही ज़्यादातर रहती हैं, पुरुषों की सहभागिता थोड़ी सी नगण्य है, और बहुत बढ़िया वातावरण स्मृति नगर में डांडिया के अवसर पर होता है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, शुरू के 4 दिन जो है वो हमारी संस्था शुरू से, हमारी जो समिति है, शुरू के 4 दिन स्मृति नगर के स्थानीय लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। तो बूगी वूगी होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और भी सारे कार्यक्रम बच्चों के होते हैं, संगीत का कार्यक्रम होता है, तो 4 दिन इनके लिए रखा जाता है। और पंचमी से हमारा डांडिया चालू होता है, 5 दिन का डांडिया होता है। तो चूंकि डांडिया पंचमी से चालू होना है, प्रशिक्षण हमने 10 दिन पूर्व प्रारंभ किया था, कल प्रशिक्षण का अंतिम दिन था, लेकिन बच्चों की इच्छा थी, चूँकि 1 घंटे का प्रशिक्षण 6 से 7 होता है, शेष जो मंची कार्यक्रम है 7 बजे के बाद प्रारंभ होते हैं, इसलिए इसको प्रशिक्षण को और आगे बढ़ा दिया जाए। तो अब चतुर्थी तक हमारा प्रशिक्षण होगा, पंचमी से डांडिया प्रारंभ हो जाएगा। भिलाई की जनता से ये अपील करूँगा, इस नवरात्रि के अवसर पर जो भी कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं पंडालों में, वो हमारी धार्मिक आस्था और परंपराओं को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए करें, किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति ना हो और आडंबर के चक्कर में आस्था जो है कहीं आहत ना हो। माता की स्तुति में देखिए, हमारे यहाँ इस डांडिया के अलावा शतचंडी यज्ञ भी हो रहा है, ये दूसरा वर्ष है, पिछले वर्ष हमने शतचंडी यज्ञ प्रारंभ किया। तो शतचंडी यज्ञ के साथ साथ, क्योंकि 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं वो माता की साधना के हैं, माता की स्तुति की, उनके साधना के, नवरात्रि हमारे लिए साधना है, ये पर्व जो है उत्सव टाइप का इसको मनाया जा रहा है, उत्सव तो जरूर हो लेकिन वो जो साधना है उसको ना भूला जाए। प्रतिवर्ष समिति के संरक्षक राजीव चौबे द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए हर उम्र हर वर्ग के मद्देनजर माता रानी की 9 दिनों तक आराधना के साथ साथ अन्य आयोजन भी कराए जाते हैं, और दिन प्रतिदिन इस आयोजन की भव्यता बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं का आना भी लगातार बना रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।